हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और घंटी बेल आइकन को भी टच कर दें। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, ये यहाँ पर देख सकती है 9 वाट का डीओ भी एक कैसे तैयार होता है उसके ऊपर ये वीडियो है। ठीक है दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। यहाँ पर देख सकते ये 9 वाट का MCPC भी है। पहले क्या करना होगा, यहाँ पर देख सकते हैं दो पॉइंट है, इस पॉइंट में ये एमओ भी लगाना पड़ेगा, ये एमओ भी है, और यहाँ पर एल और एन यहाँ पर जी किसी भी एक पॉइंट में ये फ्यूज लगाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसको लगा लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लगा लिया, ये फ्यूज यहाँ पर एन पे लगा लिया है और यहाँ एमओ भी लगा लिया है मैंने। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना होगा, यहाँ पर ये बॉडी में मैं ये B22 कैप पंच करके रखा है, ये तो AC वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्या करना होगा, पहले ये जो हीट सिंक है इसके अंदर करना होगा ये AC के वायर, और इसको हीट सिंक प्रेस मशीन से पहले इसको प्रेस कर लेना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं इसको प्रेस कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये प्रेस कर लिया है, और ये बॉडी है एलुमिनियम बॉडी है, PP बॉडी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं एलुमिनियम बॉडी पर बना रहा हूँ। अब क्या करना होगा, इसके ये जो MCPC भी है 9 वाट का, इसमें देख सकते हैं ये 18 LED लगा है। ठीक है, ये IC है, ये 8 लेग वाला IC, ये 4 लेग वाला IC है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें इसके पीछे हीटसिंक कंपाउंड लगा के यहाँ पर बैठाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं हीटसिंक कंपाउंड लगा लेती हूँ। यहाँ पर देख सकते फ्रेंड्स, मैंने ये लगा लिया है हीटसिंक कंपाउंड। आप इसको क्या करना होगा, ये जो AC के वायर है इसको इसके अंदर करना होगा। ठीक है, अब इसको यह जो होल है ये होल में बिठाना पड़ेगा। ठीक है, ये मैंने बिठा लिया है, देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये दो होल है, इसमें स्क्रू कसना पड़ेगा। ठीक है, मैं कस लेती हूँ ये स्क्रू। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको कस लिया है, यहाँ पर दो स्क्रू है। अब क्या करना होगा, ये जो दो AC के वायर है, एक AC के वायर ये फ्यूज में लगेगा और एक AC के वायर ये यहाँ पर जो L कनेक्शन दिखा रहा है यहाँ पर लगाया जाएगा। ठीक है, मैं इसको सोल्डरिंग कर लेती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने ये दो सोल्डरिंग कर लिए, ये एक AC के वायर ये फ्यूज में लगाए और एक AC के वायर यहाँ पर लगाए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको क्या करना होगा, ये इसको टेस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए मैं टेस्टिंग करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने लगा दिया, ये देख सकते हैं ये 9 वाट का जो मैंने बनाया है अभी, ये मैंने लगा दिया, इसको टेस्टिंग करती हूँ मैं। ये देखिए ये कितनी अच्छी रोशनी दे रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पर देख सकते हैं ये रेडी हो चुका है। ठीक है, देखिए ये रेडी हो चुका है। अब इसका डिफ्यूज़र लगाना पड़ेगा इसको। ठीक है, यहाँ पर कोई लॉक नहीं होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ये बिना लॉक वाला डिफ्यूज़र है, और बॉडी में भी किसी भी जगह पर कोई लॉक नहीं है। ठीक है, इसको मैं लगा लेती हूँ, ये देख सकते हैं ये लग गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तैयार हो गया है। अब इसको पैकिंग करना पड़ेगा, ये हमारा पैकिंग है 9 वाट का। ठीक है, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। ये तैयार हो गया, मार्केट में सेल होने के लिए ये तैयार होगा। इसमें आप आराम से 6 महीने की वारंटी दे सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें MOB फ्यूज़ लगाया गया है और हेवी वाला जो DOB है वो भी लगा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी बेल आइकन को भी टच कर दें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। गुड बाय।